दोस्तों जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो वो अपने लिए एक पर्टिकुलर इलाज कर लेते हैं, नुस्खे ले लेते हैं, महंगे से महंगे नुस्खे ख़रीद लेते हैं। देखिए नुस्खे सस्ते और महंगे दोनों होते हैं, मेरे पास भी दोनों हैं। यहाँ तक कि आप ये लगा लीजिए कि तकरीबन 3,500 यानी कि 3,500 रुपये से स्टार्टिंग है मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खों की मेरे पास से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जड़ी बूटियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद ऊपर तो फिर बंदे की कंडीशन और उसकी उम्र के हिसाब से है। और ये कोर्स जिनको भी लेने होते हैं उनके लिए मैंने अपना नंबर दिया हुआ होता है कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ कि वो लोग जो कोर्स नहीं ले सकते लेकिन उनको मर्दाना कमज़ोरी है, उनको टाइमिंग की दिक्कत है, उनको इरेक्शन की दिक्कत है, उनका नाइट फॉल हो रहा है, उनको चिपचिपा पानी आ रहा है, किसी से भी बात करते में चिपचिपा पानी आ रहा है, कुछ सोचते में चिपचिपा पानी आ रहा है, वाइफ से दो बातें फ़ोन पर करिए और उनकी पेंट्स जो है वो गीली हो जा रही है, तो ऐसी सारी कंडीशनों के लिए, लेकिन वो एक महंगा नुस्खा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत सस्ता सा नुस्खा है। और इसको मतलब गरीबों का नुस्खा भी कहते हैं इस तरीके से। मतलब मेरा मकसद कहने का यहाँ पे किसी को हकीर या नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर कोई गरीब है तो ये उसकी कमी नहीं है और कोई अमीर है तो ये उसकी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, मालिक की मर्ज़ी है, जिसको जैसा जहाँ जितना नवाजा है उसमें उस बंदे की बेहतरी है, इसलिए उसको उतना दिया गया है। अब सुनिए मेरी बात, आपने एक छटांक भर एक काले वाले चने लेने हैं, छटांक भर, ठीक है, 50-50 ग्राम एक मुट्ठी भर ले लीजिए और इनको डुबो दीजिए इस चने के डबल पानी में। डुबोने के बाद आपने करना ये है कि फिर आप इसको सुबह तक ऐसे रहने दीजिए। सुबह में आपने ना दूध लेना है, कम से कम इतना दूध कि जितने दूध में ये चने डूब जाएं, और उस दूध को फिर आपने चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर और जब तक पकाना है, जब तक इसको अच्छे से चलाते रहना है, मतलब जैसे खीर बनती है ना ऐसे तरीके से चलाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। स्वाद अनुसार कुछ भी डाल लेना, इसमें मिश्री डाल लेना, चीनी डाल लेना, गुड़ डाल लेना, कुछ भी डाल लेना। और उसके बाद इसको सुबह को खाली पेट खा लेना, 15-20 मिनट के बाद पत्ती लगा हुआ दूध पी लेना एक कप। और उसके बाद ये नाश्ता तो आपका पूरा हो जाएगा, सीधा उसके बाद लंच करना। तो ये वो नुस्खा आपके लिए मेरे भाई हो जाएगा कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे लेकिन 7 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, 7 दिन में अपनी छाप छोड़ देगा आपके ऊपर ये नुस्खा, इतना ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है नुस्खा आपको अच्छा लगा है, आप इसे ज़रूर करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, चलिए अल्लाह हाफिज़।